हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टॉक यात्रा विद विशाल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आज ही के दिन लिस्ट हुई कंपनी आनंद राठी के ऊपर। यहाँ पे हम लोग बातें करने वाले हैं। दोस्तों, आपको यहाँ पे मालूम है कि इस कंपनी की सबसे पहले ओवरऑल परफॉर्मेंस अगर आप देखें आज के दिन, ये आपको 585 रुपये पर देखने को मिल रही है। मतलब यहाँ पे इसका जो आईपीओ का कट ऑफ प्राइस था 550, तो वहाँ से अभी भी आप लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है जिन लोगों को यहाँ पे अलॉटमेंट हुई थी। ठीक है, तो अलॉटमेंट वाले यहाँ पे प्रॉफिट में है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये लोग जो लोग यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रिस्क लेते हैं उन लोगों को प्रॉफिट तो बनता है दोस्तों। एंड इस कंपनी ने वैसा ही किया, तो आप इसको एक अच्छा साइन, मतलब ओके पॉजिटिव साइन दे करके यहाँ पे बोल सकते हैं कि चलो भाई कम से कम कुछ तो प्रॉफिट यहाँ पे हुआ ही। ठीक है, अभी आते हैं लिस्टिंग के ऊपर कि कहाँ पे लिस्ट हुई। तो सबसे पहले आपको बता दें कि देखिए ओपन यहाँ पे हुई 600 पे, मतलब यहाँ पे अगर 9% की इसकी लिस्टिंग हम लोगों को लिस्टिंग गेन यहाँ पे देखने को मिली है। तो 9% का प्रॉफिट जिन लोगों को अलॉटमेंट होती है उनको यहाँ पे हो गया है। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें थोड़ी सी बाइंग देखने को मिली थी, मतलब कंपनी ऊपर गई 615 तक। देन मार्केट में प्रेशर की वजह से आप देखिए ये कंपनी 565 तक भी जाते हुए देखने को मिला। एंड उसके बाद से हमने देखा कि या ओवरऑल यहाँ पे 585 तक यहाँ पे बंद हुई। मतलब आप लोगों को कुछ चीज़ें यहाँ पे याद आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है दोस्तों। कल के दिन भी हम लोगों ने इसी तरह की चीज़ें यहाँ पे देखी थी। किसमें देखी थी? टेगा इंडस्ट्रीज़ में। ठीक है, सेम चीज़ें यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिली थी, जिस तरह की चीज़ें आज यहाँ पे हम लोगों को इस कंपनी में देखने को मिल गई है। ठीक है, तो आप खुद चाहे तो मेरे टेगा इंडस्ट्रीज वाले वीडियो को यहाँ पे उठा करके देख सकते हैं। ठीक है, एंड उसके साथ साथ आप चाहे तो आनंद राठी ये जो कंपनी है इससे रिलेटेड भी यहाँ पे लिस्टिंग से रिलेटेड भी मेरी वीडियो थी, उसको भी वहाँ पर उठाकर देखिए। जो चीज़ मैंने आज बोली है सेम वही चीज़, जो चीज़ आज यहाँ पे हुआ है सेम वही चीज़ कल मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया था। तो दोनों ही चीज़ यहाँ पे होते हुए हम लोगों को देखने को मिल रही है। सो ऐसे में अभी जो सवाल यहाँ पे आ रहे हैं कि क्या हम लोगों को फ्रेश बाय इसमें करना चाहिए, क्या हम लोग इस कंपनी में शॉर्ट टर्म के लिए रह सकते हैं, क्या हम लोग इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें, या फिर और भी बहुत सारे सवाल होंगे, तो इन सभी सवालों के जवाब यहाँ पे हम लोग देंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखेंगे, एंड वो है दोस्तों कंपनी के फाइनेंसियल्स। तो आप देख सकते हैं कि 19, 20, 21 ये साल साल भर का डाटा है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये जो डाटा है वो 5 मंथ का है। मतलब इसका जो कंपेयर है इस डाटा का, वो इन डाटाओं से हम लोग कर नहीं सकते, क्योंकि ये साल भर का डाटा है, 12 मंथ का डाटा है एंड ये 5 मंथ का है, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सीधा हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट ही देखने वाले हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट की अगर यहाँ पे हम लोग बातें करें तो 19 में देखिए 584 था, 20 में यहाँ पे 616 था, 21 में 450 था, जो कि हम लोग बोल सकते हैं कि 21 में हम लोगों को थोड़ा कोविड का सिचुएशन भी देखने को मिला, पेंडेमिक टाइम था, तो इस वजह से शायद से प्रॉफिट यहाँ पे घटते हुए देखने को मिला। नहीं तो हम लोगों को लगातार यहाँ पे 19 से 20 का जो प्रॉफिट है उसमें जंप ही देखने को मिल रही है। एंड उससे भी अच्छी बात यहाँ पे ये है कि जो 5 मंथ का ये डाटा इन्होंने यहाँ पे पेश किया है उसमें जो प्रॉफिट है, पिछले साल आप देखिए 450 यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है एंड यहाँ पे 5 मंथ में ही 510 हम लोगों को देखने को मिल रहा है। मतलब अगर यहाँ को इसको मल्टीप्लाई 2 से करें तो भी यहाँ पे 1000 से भी ऊपर का आंकड़ा हम लोगों को देखने को मिलेगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि 2021 से तो हम लोगों को अच्छा ही यहाँ पे प्रॉफिट 2022 में देखने को मिलने वाली है इस कंपनी की, जिस हिसाब से यहाँ पे इसका डाटा हम लोगों को देखने को मिल रहा है। सो इससे क्या हम लोगों को चीज़ें देखने को मिल रही है कि अगर हम लोग इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के हिसाब से बाई करते हैं तो ये कंपनी बेहद अच्छी हम लोगों को देखने को मिल जा रही है, जिसमें कोई भी दो राय यहाँ पे नहीं है। तो लॉन्ग टर्म वालों के लिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जिन भी लोगों ने इस कंपनी को फ्रेश बाय आज किया है वो भी लॉन्ग टर्म के लिए, तो उनके लिए अच्छा है, वो लोग लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी में बने रह सकते हैं।
एंड जिन लोगों के सवाल ये है कि क्या हम लोग इसको शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे देख सकते हैं, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखिए कि मार्केट यहाँ पे मंडे से ही हम लोगों को प्रेशर में देखने को मिल रही है एंड ये पूरा वीक ही यहाँ पे प्रेशर में जाते हुए हम लोगों को देखने को मिलने वाला है। तो जो भी लोगों के सवाल यहाँ पे शॉर्ट टर्म के हिसाब से है तो उनके भी जो जवाब होंगे वो दो वे में देखने को मिलेंगे, पॉजिटिव एंड निगेटिव। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जैसा कि हमको तेगा इंडस्ट्रीज में देखने को मिला, क्या उसी तरह की चीजें देखने को मिल सकती है? जी हाँ, अगर मार्केट में प्रेशर देखने को मिला तो वो सिचुएशन भी हम लोगों को देखने को मिल सकती है। या एक बात यहाँ पे आप लोगों को हमेशा ध्यान रहना चाहिए कि मार्केट हमेशा सबसे बड़ा होगा, किसी का भी एनालिसिस कभी भी यहाँ पे गलत हो सकता है। ठीक है, अभी हम लोग मार्केट प्रेशर के ऊपर यहाँ पे बातें कर रहे हैं, तो ये कंपनी अगर यहाँ पे कल इसमें बिकवाली हम लोगों को अगर देखने को मिलती है तो आराम से ये 500 के आसपास आप लोगों को जाते हुए देखने को मिल जाएगी। मतलब जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे बाय किए हुए हैं उनके लिए एक खतरा यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है। इन कंडीशन यहाँ पे मार्केट पॉजिटिव में आता है या फिर इस कंपनी में हम लोगों को बाइंग देखने को मिलती है तो दोस्तों हमारी जो ये कंपनी है वो हम लोगों को 650 के ऊपर भी यहाँ पे जाते हुए देखने को भी आराम से मिल सकती है। तो शॉर्ट टर्म में देख रहे हैं कि यहाँ पे रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, नीचे भी जा सकता है ऊपर भी जा सकता है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों अगर आप लोग इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के नज़रिए से देखेंगे तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पे होने वाला है। एंड आपको मैं बताना चाहूँगा कि दोस्तों इस कंपनी से रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट बोल सकते हैं, ब्रोकर्स बोल सकते हैं कि उनका भी यही राय है जो राय अभी मैंने जस्ट आपको दी है कि अगर आप लोग इस कंपनी को शॉर्ट टर्म के नज़रिए से देख रहे हैं या फिर लॉन्ग टर्म के नज़रिए से देख रहे हैं तो शॉर्ट टर्म वाले यहाँ पे क्विट कर सकते हैं, उनका ये राय है। ठीक है, एंड लॉन्ग टर्म वाले जो भी लोग इस कंपनी को यहाँ पे बाय किए हुए हैं तो उनके लिए वो हरा निशान दे रहे हैं। ठीक है, तो वो लॉन्ग टर्म जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये कंपनी अच्छा देखने को मिले, क्यों? क्योंकि कंपनी के प्रॉफिट यहाँ पे लगातार ग्रोइंग मोड में देखने को मिल रहे हैं। बस यही एक रीज़न है मेरे पास इस वेस में मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छी है। ठीक है, देखिए मैं कभी भी किसी को रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, तो एक चीज़ ये हमेशा आपके माइंड में रहना चाहिए। ठीक है, सो कल यहाँ पे देखना दिलचस्प होगा, ये कंपनी 500 पे जाते हुए देखने को मिलेगी या फिर हम लोगों को 650 तक जाते हुए देखने को मिलने वाली है। तो कल मार्केट खुलते ही हम लोगों को सबसे ज़्यादा नज़र इस कंपनी पर यहाँ पर रहनी चाहिए। अलॉटमेंट वाले की बातें करें तो दोस्तों अलॉटमेंट वाले आप लोग यहाँ पे प्रॉफिट में ही है तो आप अपना डिसीजन यहाँ पे खुद ले सकते हैं। बाकी आप चाहे तो बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे डिस्कस की है उससे भी आप लोग यहाँ पे अपना डिसीजन ले सकते हैं। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।